हमारी सेटिंग्स बिल्कुल होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इन सब चीज़ों के हवाले से, दोनों कंपोनेंट, बल्कि मैं तो एक तीसरा कंपोनेंट भी उसमें आहिस्ता आहिस्ता शरीक कर रहा हूँ, और वो है कि फेडरेशन में जो बलूचिस्तान का कोटा बनता है 5 to 6% का एम्प्लॉयमेंट में, वो एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिससे हम मायूस होके बहुत हमें पसमानदगी महसूस हुई है कि बलूचिस्तान को अपना ड्यू राइट इन जॉब्स पे भी नहीं मिला है। तो ये तीन चीज़ों में अगर बलूचिस्तान के साथ एक अच्छा रवैया, बलूचिस्तान के साथ एक अच्छा एक पेशरफ्ती होगी और हमें एक महसूस होगा कि यस वफाकी हुकूमत हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप इसमें बेहतरी ला रही है, हम सपोर्ट करेंगे, हम असिस्ट भी करेंगे, लेकिन जहां हमें महसूस होगा कि हमें सिर्फ बातों के तक अगर टरखाया जा रहा है और टाइम पास करवाया जा रहा है, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, अपोजिशन भी यहाँ बैठी है, बलूचिस्तान अपना हक भी रखती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब वो वक्त नहीं है बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान अब इन सारी चीज़ों से दो चार मजीद नहीं हो सकता। हमारे बहुत कंसर्न, सीरियस कंसर्न फाइनेंशियल भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं, और ये सूबा एक कहत साली से भी गुजर रहा है। हमने अपनी जिम्मेदारियां एक प्रोविंशियल हुकूमत के हवाले से भरपूर अंदाज में करनी है, और मैं चाहूँगा बिल्कुल अपोजिशन अपना पूरा राइट रखती है क्रिटिसाइज करने का रखती है, अपोजिशन हम एक चेक एंड बैलेंस पे रखती है, बिल्कुल अपना रखे, लेकिन बलूचिस्तान की जहाँ मफाद का बात हो, जिस तरह बड़ी खुशी हुई कि फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जब एक दो नशस्तें हुई, तो उसमें अपोजिशन के, यहाँ पे हमारे साथ अपोजिशन है लेकिन वहाँ हम उनके साथ भी कोलिशन में हैं, तो उनका एक अच्छा स्टांस रहा और उन्होंने बाकायदा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की सूरत में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और बलूचिस्तान का मौकफ सामने किया। बलूचिस्तान में जनाब स्पीकर साहब बड़ा पोटेंशियल है सूबे में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि कल जब हम बैठे थे, ख़ासकर बलूचिस्तान के वसाइल की जब बात होती है, तो इन वसाइल के हवाले से हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, लेकिन कल हम जब पहली दफ़ा माइनिंग कमेटी के एग्जीक्यूटिव एक बोर्ड बनाया गया था 2015 में, तो कल उसकी पहली मीटिंग हुई थी 3.5 साल में। तो जब से वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना था, आज कल उसकी पहली मीटिंग हुई, तो हमने महसूस किया कि बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन पे बाकायदा लीज करके बहुत सारी कंपनियाँ बैठी हुई हैं, सालों से बैठी हुई हैं, 10-10 साल 15-15 साल से बैठी हैं, ना खुद कुछ काम कर रहे हैं ना किसी को काम करने देते। जहाँ पे 500 एकड़ देना चाहिए वहाँ पे 10-10 हज़ार एकड़ दिया हुआ है, बल्कि कुछ कंपनियाँ तो ऐसी भी हैं जिनके पास 1-1 लाख एकड़ की भी ELB है और MLB है। तो हमें इन सब चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे, हम इन सब चीज़ों पे डिलिब्रेशन करेंगे, इससे फ़ायदा नुकसान को हटा के ये हम सब के इज्तमाई फ़ायदे में इस सूबे के हैं। ये वसाइल आज कारामद होंगे, ये वसाइल आज काम पे आएंगे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, हम CPEC को सही एड्रेस करेंगे, हम अपनी फेडरल पोस्टों के हवाले से काम करेंगे, हम फेडरल PSDP में अपना ड्यू शेयर लेंगे, तब जाके हम अपने बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार भी दे सकेंगे, तालीम भी दे सकेंगे, सेहत भी दे सकेंगे, अच्छा माहौल दे सकेंगे, एक अच्छा फ्यूचर दे सकेंगे। लेकिन हम अगर इन 4-5 चीज़ों पर फोकस, सर्विस स्ट्रक्चर बना भी है कुछ महकमों में, बहुत सारे लेवल तक बना भी नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर के हवाले से अगर हम देख लें तो वो स्टिल उनका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह की जब कैपेसिटीज़ को हम डेवलप नहीं करते और प्रॉपर उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं करते कि इनका एक पूरा इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, फिर टाइम टू टाइम फिर हमें टाइम स्केल और ऐसी चीज़ों का भी फेस करना पड़ता है, और कंसर्न लोगों का उन सब पोस्ट पर होना भी एक बहुत बड़ा सवालिया बन जाता है। मैं डू अग्री करूँगा इस तरह की इनिशिएटिव्स जिस तरह ली गई हैं, हमें ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं, जो हमारे इदारों के अंदर हर लिहाज से जिनकी ज़रूरत है, चाहे वो लॉस के हो, चाहे वो लेजिस्लेशन के हो, चाहे वो ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए हो, या इसी तरह डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट फॉर्मेशंस की तरफ हो, इन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी SNGD ऑलरेडी इस पे एक किसी हद तक काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले हमारे जो नेक्स्ट कैबिनेट होगा उसके अंदर इन सारी चीज़ों पर एक प्रेजेंटेशन भी ज़रूर आएगी, जिसमें ये डिफाइन किया जाएगा कि व्हाट वे फॉरवर्ड होना चाहिए, और उसी तरह फिर इंशाल्लाह वो तरीक़ेकार यहाँ असेंबली तक भी आएगी और कंसर्न
स्टैंडिंग कमेटी भी जो होगी उस तक भी पेश होगी। तो मैं डेफिनेटली इन चीज़ की हर हवाले से तायीद भी करता हूँ और इसको सेकंड भी करता हूँ कि हम जब तक इन सारी चीज़ों को एक मैकेनाइज्ड वे में एड्रेस नहीं करेंगे, कीपिंग द नीड्स ऑल्सो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सीपेक के हवाले से अगर हम ये सारी चीज़ों को आने वाले दौर में बलूचिस्तान में देख रहे हैं, तो हमें अभी जॉब स्पेशलाइजेशंस को भी बड़ा फोकस करना पड़ेगा। हम एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंसर्न इन डिग्रीज के साथ, इन क्वालिफिकेशंस के साथ अगर पढ़ रहे हैं, तो उनकी जॉब को सिक्योर करने के लिए, उन पोजीशंस को सिक्योर करने के लिए, इन लोगों को वहाँ एक राइटली एड्रेस करने के लिए जगह बनाने की ज़रूरत भी बनानी पड़ेगी। अब उसके लिए इसमें एक बाकायदा तरीक़ेकार होना चाहिए, जिस तरीक़ेकार के लिए अभी कुछ चीज़ें हम प्रपोज कर रहे हैं, और सर्विस रूल्स जितने भी हैं हमारे, उनके हवाले से भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, फेडरेशन में भी हो रहा है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इसको इनिशिएट हमने लिया हुआ है और उस पर डिलिब्रेशन है। माजी में होना चाहिए था, चूँकि हम जिस तरह अभी टाइम 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 टू टाइम इनको देख रहे हैं, ये अभी एक गवर्नमेंट के लिए परफॉर्मेंस में भी बड़ा इनका इफेक्ट आ रहा है और ओवरऑल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। तो यस, आई डू कंसिडर, और जिस तरह हमारी ये प्रपोजल्स जैसे भी आएंगी, हमारी कैबिनेट में भी इंशाल्लाह पेश होंगी, और उसी के साथ साथ इसकी जो करंट जो अपडेट है उस हवाले से भी इंशाल्लाह असेंबली में हमारी जो एक फाइनल पोजीशन बनेगी या उसकी जो भी सूरत हाल जिस हवाले तक हमारे सामने आएगी, हम उसको डेफिनेटली शेयर करेंगे इंशाल्लाह। 9% नहीं तो कम से कम 7-8-6% में भी फेडरल पीएसडीपी में हमारा हिस्सा होना चाहिए, और वो हिस्सा 3-3.5 एवरेज पे है। और मजे की बात उसके ऊपर ये है कि ये स्कीमात जिनके हवाले से 3.5% भी हमें मिला है, ये कोई नई स्कीमात नहीं है, ये सारी वो स्कीमात हैं जो पिछले 15 साल पुरानी है। या तो हमारे नए स्कीमात होती हैं, या तो हम ये बोलेंगे जी ओशाब का रोड नया है, या हम बताएं कि तुरबत का नया रोड बना है, या हम ये बोलेंगे जी डीआई खान का एक नया रोड बना, या हम ये बोलेंगे जी कच्ची केनाल एक नई स्कीम है, या हम ये बोलेंगे पटफीडर एक नई स्कीम है, ये सारी वही स्कीमें हैं जो 15 साल पहले फेडरल पीएसडीपी में शामिल हुई, लेकिन चूंकि बहुत सारी वजूहत की वजह से रिफ्लेक्ट होके फंडिंग नहीं हो सकी, आज भी वही शामिल है। और उन्हीं स्कीमात पर अभी हम अपना एक्सपेंस वफा की तरफ से माजी में शो करके दिखाया है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया, हमसे कुछ नहीं हो सका। तो जब खुसरो बख्तियार साहब अब इंशाल्लाह आएंगे, अभी भी इस्लामाबाद में जब उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि आपको हमारे साथ चलना चाहिए, तो मैंने कहा जी मेरा जाना बहुत मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने सूबे के लिए कोई पेशरफ्ती जब तक नहीं देखूंगा, मेरे लिए फैसला करना नामुमकिन है। आप वापस आए, आप पहले सीपेक के हवाले से भी हमें पूरी आगाही दें कि हम अगले 3-4 साल में सीपेक में कहाँ खड़े होंगे, और आप हमें फेडरल पीएसडीपी के बारे में भी ज्यादा मुतमईन करें, क्योंकि फेडरल पीएसडीपी का एक बहुत बड़ा शेयर है। पिछले 5 सालों में 5000 अरब रुपए पीएसडीपी में खर्च हुए, यानी कि हम समझें कि $50 बिलियन। उस $50 बिलियन में टोटल हुकूमत बलूचिस्तान के ऊपर जो 5 सालों में फेडरल पीएसडीपी में खर्च हुए, ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है, हमें तकरीबन 350 से 400 अरब टोटल मिले। 50 अरब में से हमें 4 अरब मिले इन 5 सालों में, तो हमें तो पिछला शेयर भी नहीं मिला और हम नए की तवक्को में। तो अब हमें हमारी जो डिलीटेड स्कीमें हैं, हमारी जो नई स्कीमें हैं, और आपका जो बलूचिस्तान के लिए आने वाले 5-10 सालों में फेडरल पीएसडीपी में जो एक तरीक़ेकार होगा, आप हमें बताएं कि आप हमारे कौन कौन से बड़े स्कीमात रख रहे हैं। क्या आप बलूचिस्तान के पानी के मसले के लिए स्कीमात रख रहे हैं? क्या आप बलूचिस्तान के लिए रोडों की स्कीमात रख रहे हैं? क्या बलूचिस्तान की ट्रांसमिशन को बेहतर कर रहे हैं? क्या बलूचिस्तान के लिए डैम सिस्टम्स के लिए काम आप कर रहे हैं? क्या बलूचिस्तान के बेरोजगारी को दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग यूनिट्स आप लगा रहे हैं? क्या बलूचिस्तान के लिए हेल्थ एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा पैकेज हमें फेडरल पीएसडीपी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा? और अगर वो नहीं मिलेगा और हमें नहीं बताया जाएगा, फिर हम अपने इसी स्टांस पे कायम हैं। हम बिल्कुल एक इत्तेहादी हैं, इस असेंबली में भी इत्तेहादी हैं, वफाक में भी इत्तेहादी हैं, लेकिन हम इत्तेहादी हैं। हमारा बलूचिस्तान आवामी पार्टी का एक बड़ा क्लियर स्लोगन इलेक्शन में मिला कि हम बलूचिस्तान की मफाद में, बलूचिस्तान की तरक्की में, बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए ये पार्टी आगे काम करेगी।
लेकिन अगर इन सारी चीजों में हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा और हम सिर्फ बराए नाम अगर कहीं खड़े हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बदनामी का बायस न सिर्फ मेरे लिए, हमारी पार्टी के लिए, कोलिशन के लिए, बल्कि अपोजिशन के लिए भी बनेगा। तो ये इस चीज में दो राय बिल्कुल नहीं, ये बड़ी क्लियर है। अब वो आएंगे इंशाल्लाह, ऐसी करारदाद आई है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के स्टांस को किसी न किसी हवाले से थोड़ा सपोर्ट भी किया है। और जहाँ तक सीपेक की बात आती है तो अमूमन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में इस सब्जेक्ट को बड़े गौर से और इसके डायनेमिक्स को बड़े गौर से देखा जाता है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस पर बड़ी तफसीलन बात की है, लेकिन इस बात पर हमें आज हम सब एक प्लेटफॉर्म पर अगर इस पूरे एजेंडा पे खड़े हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई सदाकत ज़रूर है, जिससे आज हम शायद ये महसूस कर रहे हैं कि हम महरूम होते आगे की तरफ जा रहे हैं। सीपेक का जो एक असल कॉन्सेप्ट था वो बड़ा सिंपल था कि एक अपॉर्चुनिटी थी जो चाइना ने पाकिस्तान के लिए क्रिएट की, और वो अपॉर्चुनिटी चाइना ने मुख्तलिफ मदों में पाकिस्तान के लिए क्रिएट की, और उसमें एक पैकेज ऐसा बनाया गया कि चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लोन की सूरत में, ग्रांट की सूरत में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सूरत में और मुख्तलिफ चीज़ों की सूरत में पाकिस्तान आई, और इसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त फिर काम शुरू हुआ। वफाकी हुकूमत का एक बड़ा पिविटल रोल इसके अंदर था कि जिन्होंने इस सारे सब्जेक्ट को आगे ले गए, और फिर सीपेक की कमेटियाँ बनी, सीपेक की स्टैंडिंग कमेटियाँ बनी, और हमने टाइम के साथ देखा कि बलूचिस्तान की इंगेजमेंट आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से इम्पोर्टेंस हमारी थोड़ी बढ़ती गई, सिर्फ एक वजह से कि जी सीपेक का दारोमदार वो ग्वादर पोर्ट की तरफ है तो बलूचिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और हम इसी इंतज़ार में सब थे कि आज सीपेक की वजह से बलूचिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता रूनमा होंगी और बलूचिस्तान के लोग मुस्तफीद होना शुरू होंगे, बलूचिस्तान में रोडें बनना शुरू हो जाएंगी, बलूचिस्तान में वसाइल के हवाले से इन्वेस्टमेंट आएगी, बलूचिस्तान के अंदर जो पसमानदगी है चूँकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो बिजली का मसला हल होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम बनेंगे, यहाँ पे दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगी, टेक्निकल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, ये सारी वो चीज़ें थी। वेस्टर्न कॉरिडोर बनेगा, वेस्टर्न कॉरिडोर के साथ साथ दूसरे कॉरिडोर बनेंगे, मोटरवेज बनेंगी, ड्यूल कैरेजेस बनेंगे, लेकिन बदकिस्मती के आज 5 साल गुजर गए लेकिन इन चीज़ों को हमने पाए तकमील किया, बल्कि इसको हमने प्लानिंग फेज में भी अभी तक नहीं देखा है। इसमें मैं कसूरवार न तो सिर्फ चाइना को बिल्कुल नहीं ठहराता और न ही किसी और इदारे को, बल्कि दो इदारे थे जिन्होंने इसका फैसला करना था, एक वफाकी हुकूमत और एक सूबाई हुकूमत, और सूबाई हुकूमत ने अपना एक पूरा स्टांस, क्योंकि वो JCC के मेंबर भी थे, JCC जो बेसिकली अभी चाइना में हो रही है, जिसमें माजी में हमारे वज़राए आला भी गए, जिसमें हमारे प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर भी गए और दूसरे वज़राए आला भी गए थे, और इस JCC से एक स्टेप पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक फोरम है जिसे हम जॉइंट वर्किंग ग्रुप कहते हैं। जॉइंट वर्किंग ग्रुप का काम ये होता है कि चाइना जॉइंट, ये जो हमारा एक जॉइंट कमीशन है, इसके अंदर सीपेक के हवाले से जो भी स्कीम मंजूर होगी उसकी असल कॉन्सेप्ट और उसकी अप्रूवल इस कमेटी ने करनी होती है, और अगर इस कमेटी के अंदर वो प्रपोजल्स, वो प्रोजेक्ट्स, वो चीज़ें नहीं हैं तो जॉइंट कमीशन में चाइना जाना कोई ख़ास मायने खुद नहीं होता। तो हालिया में जब सीपेक के हवाले से हमने ब्रीफिंग ली और हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनको हमने कहा कि आप हमें बताएं कि सीपेक के हवाले से बलूचिस्तान में क्या क्या है, कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने मंजूर हैं, हमारी स्टेटस किधर है, कितनी मंजूरी हो चुकी है, कितनी स्कीमों की लिस्ट हम और बनाएं। तो उस ब्रीफिंग को जब हमने पहली दफ़ा, और ये मेरे ख्याल पहली दफ़ा इन 5 सालों में हुआ है कि कैबिनेट को सीपेक की प्रेजेंटेशन दी गई है। माजी में सीपेक को कहाँ डिस्कस किया गया, माजी में सीपेक के हवाले से क्या मशवरे हुए, माजी में सीपेक के हवाले से क्या मंसूबा बंदी हुई, ना तो कैबिनेट को पता थी ना ही लोगों को पता था, लेकिन हमने अपनी पहली कैबिनेट के बाद अभी हालिया में जो हमारी कैबिनेट हुई, बाकायदा सीपेक की पूरी ब्रीफिंग, एक प्रेजेंटेशन हुई और उन सब चीज़ों को हमने सामने रखा कि ये सारा सीपेक का पैकेज यहाँ पे सामने मौजूद है।
और जब उस पैकेज को हमने देखा तो उस पैकेज में हमें ये पता चला कि सीपैक के अंदर गवर्नमेंट बल्कि बलूचिस्तान सूबे का जो फाइनेंशियल हिस्सा बलूचिस्तान के हिस्से में आया है वो सिर्फ 4-4.5% का है। तो ये मालूम किया कि ये 4-4.5% भी अगर बलूचिस्तान में आया तो किस मद में आया है, क्या ऐसे स्कूल बने, क्या ऐसे अस्पताल बने, क्या ऐसे रोड बने, क्या क्वेटे का पानी का मसला हल हुआ, क्या नए डैम बने, क्या लोगों के रोजगार के लिए बहुत सारे तरीकेकार चीजें बनी, क्या इन सब चीजों पे इन पैसों में जो 4.5% है ये यहां खर्च हुए। लेकिन पता चला कि इन सब सेक्टर में से कहीं पे भी खर्च नहीं हुए। खर्च अगर हुए तो दो प्रोजेक्ट पे हुए, एक कोल पावर प्लांट जो गडानी में लसवेला में है वहां बना प्राइवेट सेक्टर का, और बाकी जो पैसे हैं वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर पोर्ट डेवलपमेंट में खर्च हुए। और अगर हम ये दोनों चीजों को सिर्फ सीपैक समझें कि सीपैक सिर्फ एक पावर प्लांट लगाने का मतलब था और एक पोर्ट की डेवलपमेंट के हवाले से था, और अगर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अगर सीपैक से भी बाहर निकाल दें तो मेरा ख्याल बलूचिस्तान का 1% भी हिस्सा नहीं है। तो इसी बात को हमने दोहराया कि ठीक है जी, माजी में तो हमें शेयर इन प्रोजेक्ट्स में नहीं मिला, अब कौन सी स्कीमात हैं जो मंजूर हैं जिनके हवाले से हम अगर चाइना जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो उन पर बातचीत होगी। तो पता चला कि अभी तक हमारी जो ज्वाइंट वर्किंग जो ग्रुप है उसके अंदर जो स्कीमात हैं उनमें से अभी तक एक भी अप्रूव नहीं है। हमारा जो स्टेज है जो जेसीसी में जाने का है उससे पहले जो एक जिसे हम अपने प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से पीडीडब्ल्यूपी कहते हैं या सीडीडब्ल्यूपी वफाक में कहते हैं, इसी तरह एक्निक कहते हैं कि ये वो आपके इदारे हैं जहां से जब तक आपका कॉन्सेप्ट पेपर PC1 अप्रूव नहीं होता वो ना तो PSGP का हिस्सा बनता है ना किसी बजट का हिस्सा बनता है। तो हमारे जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में जिन चीजों ने मंजूर होना था वो वैसे के वैसे पड़े हुए, और उनमें से एक स्कीम जो शायद अप्रूव हो जाए वो वाली स्कीम है जो 70 किलोमीटर का एक पैच है छोटा सा जिसने DI खान से लेके जोब तक आना है। और इसके अलावा उस पूरे किताबचे में सारी वो स्कीमें हैं जिनका कॉन्सेप्ट ही अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो लोन देना, उनकी मंजूरी होना, उनको सीपैक में इस्तेमाल होना और उनको सीपैक के जॉइंट पूरे फाइनेंशियल अम्ब्रेला के अंदर आना तो बहुत दूर की बात। तो मजीद ये बात फिर हमने उठाई कि ठीक है जी, मंजूर तो कुछ नहीं है तो आप मंजूर कुछ करवाएं अगर हम तो उसका क्या तरीकेकार है। तो उसमें हमें वाजे तौर पर बताया गया कि जी इस स्टेज पे तो अब कुछ मंजूर नहीं हो सकता। हमारा जो एक पाकिस्तान का टोटल पोर्टफोलियो है जिसमें हम ये बात करते हैं कि 60-62 अरब रुपए का है, असल में वादा जो भी किया हो 70 का हो, 80 का हो, 60 का हो, लेकिन ग्राउंड पे हम 29 अरब पे अभी पहुंचे हैं। तो 29 अरब के ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बहुत सारी चीजें हुई और बलूचिस्तान में जो मैंने आपको बताया दो स्कीमें, और इसमें थोड़ी बहुत तहकीक जब हमने की तो लामाला कोताही हमें अपनी खुद नजर आई है कि हम अगर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में अपनी स्कीमा की मंजूरी के लिए एक तरीकेकार बनाते, एक अच्छा एक बड़ा स्ट्रक्चरल वे फॉरवर्ड बनाते, हम अगर उसको बाकायदा परसू करते तो आज शायद सीपैक की लिस्ट में बलूचिस्तान के 10 से 15 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होते। हमें यह भी पता होता कि इन्होंने लोन फॉर्मेट पे होना है, ग्रांट फॉर्मेट पे होना है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का लोन है, वफाक का लोन है, हम दोनों का मुश्तरका लोन है या चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट है। तो इस जनाब स्पीकर साहब, आज की सूरत हाल में जब सीपैक का हम मुलाहिजा इस तरह करते हैं तो मेरा सवाल फिर सबसे पहले वहाँ यही बना कि इस सीपैक का दारोमदार अगर बलूचिस्तान पे है और इसके हवाले से ग्वादर और बलूचिस्तान के बारे में बड़ी बात होती है, और अगर इसका फ़ायदा बलूचिस्तान की आवाम को, बलूचिस्तान की आने वाली नस्लों को इस सूरत में वफा की तरफ से मिला और माजी की हुकूमत में पिछली गवर्नमेंट की तरफ से मिला तो ये एक बहुत ही
मैं समझता हूं कि जानबूझ के तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी कोताहियों की वजह से आज हम सीपेक को इस सूरत में देख रहे हैं। अब हमारे पास तरीकेकार क्या है, और वो तरीकेकार हमने अपनाया। हमने माजी में शायद सीपेक के बारे में किसी ने कोई बयान भी नहीं दिया होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हुकूमत ने, आपकी गवर्नमेंट ने एक स्टांस लिया, एक स्टैंड लिया, और बाकायदा वो स्टैंड और स्टांस आज भी उसी तरह बरकरार है कि हमने हर फोरम पे, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, हमारे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हो, हमारे वफाकी प्लानिंग कमीशन का इदारा हो या उनके मिनिस्टर हो, उनको बड़े आसान अल्फाज में हमारी कैबिनेट के मेंबर्स ने और मैंने भी यही कहा कि इस सीपेक के हवाले से अगर हमें आपने सिर्फ मीटिंग्स में बिठाना है और ये दिखाना है दुनिया को कि जी इस सीपेक में वफाक के साथ या वफाकी गुजरा के साथ बलूचिस्तान के वजीर आला और हमारे साथ सब हामाहंगी में शामिल हैं और हम उसमें आगे कुछ नहीं कर सकें और सिर्फ तस्वीर हमारी चले, तो इसमें बलूचिस्तान का फ़ायदा नहीं है। अगर बलूचिस्तान की स्कीमत और वो तरीक़ेकार क्या होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान हुकूमत बहुत समझती है अपने जिम्मेदारियों को और इन सारी चीज़ों की गहराइयों को भी, कि आप अभी हमें इस बात पर टरका नहीं सकते कि आप योग में आगे एक तख्ती लगा दें और मुझे बता दें कि जी सीपैक में शामिल हो गए और मैं ये समझ लूं कि बिल्कुल जी बलूचिस्तान के रोड सीपैक में शामिल हो गए चूंकि एक तख्ती लग गई है। आपने अगर सीपैक में कोई चीज़ मंजूर करानी है या कराई गई है या आगे की तरफ होगी, आप हमें अभी वो कागजी कार्रवाई पूरी दिखाएं। अगर वो हमारे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में अप्रूव्ड है, अगर उनके लिए चाइनीज गवर्नमेंट का लोन सैंक्शन है, अगर चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें शामिल है, अगर वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले से लोन के हिस्से को शेयर कर रही है या हमें कोई ग्रांट मिल रहा है, ये कागजी सूरत में अगर हमारे सामने शामिल होगी, बलूचिस्तान के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, बलूचिस्तान की हुकूमत इसको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं है और महज सिर्फ बात यह है कि जी बिल्कुल हो जाएगा, बात है, हमें बात का भी पता है, तरीक़ेकार का भी पता है, टाइम फ्रेम का भी पता है, इन सब चीज़ों का पता है कि इन्होंने कहाँ से अप्रूव होना है, किस तरीक़ेकार से अप्रूव होना है, और जब तक उस तरीक़ेकार से अप्रूव होकर हमारे सामने नहीं आएगा, ये बाकायदा तौर पर नहीं बन सकता। तो लिहाजा अब जब खुसरो बख्तियार साहब वापस आएंगे और इस्लामाबाद आएंगे, तो इंशाल्लाह हमारा यही प्रोग्राम है कि हम पहले तो एक दफ़ा वो क्वेटा भी आएंगे, फिर हमारी अगर वहाँ उनसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, सेनेट में हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, नेशनल असेंबली में हैं, उनकी अगर मुलाकात हुई, हम बाकायदा एक तरीक़ेकार से उन पर दो चीज़ों पर बैठेंगे। एक है सीपैक का एक पूरा अम्ब्रेला, एक पूरा सिस्टम, और एक है वफाकी हुकूमत का अपना पीएसडीपी। हमें माजी में न तो फेडरल पीएसडीपी से भी कुछ मिला और न ही सीपेक से कुछ मिला, और हम इसी, मैं तो कभी कभी बड़ा हैरान होता हूं कि माजी में भी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रही हैं, लेकिन वफाक से स्कीमात का लेना बहुत आसान तरीक़ेकार होता था। ऐसा नहीं था कि आप वफाक के पास जाएं और वफाक आपको कोई सूबे में स्कीम ना दें, लेकिन पिछली गवर्नमेंट का जो ये तरीक़ेकार 5 साल करा, फेडरल पीएसडीपी में हम देखते हैं कि हमारा कोई शेयर नहीं है। फेडरल पीएसडीपी में एवरेज 3.5% का शेयर हमें मिला है। हमें अगर एनएफसी का सिर्फ अगर आप देख लें, सिर्फ एनएफसी का जो हमारा फॉर्मूला है वो 9% का है कि 9% हुकूमत बलूचिस्तान को मिलेगी, और इसमें मोहतरम जनाब नवाब असलम रहसानी साहब यहाँ मौजूद हैं, और जब 18वीं-13वीं का सिलसिला हुआ तो उसमें एक बड़ी पेशरफ हुई, तो ये 9% पे जब जाके पहुंचा, तो हम उसी बात पे पिछली 5 सालों में यही तवक्कु रख रहे थे कि कम से कम